नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चार सुगर स्टॉक्स का, बलरामपुर चीनी, श्री रेणुका, द्वारिकेश और मवाना। तो हम देखेंगे कि इन स्टॉक्स को लेकर मार्केट में क्या न्यूज चल रही है और चार्ट के माध्यम से इन स्टॉक्स का हम डिटेल्ड एनालिसिस करेंगे। तो इस पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप उसे जरूर ज्वाइन करिए। वहां पर हम एडवांस्ड एनालिसिस के बाद कॉल्स देते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारे वीडियोस केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए है, हम सेबी रजिस्टर्ड नहीं है और आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर कंसल्ट करें। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट की कुछ दिनों पहले पॉलिसी आई थी कि इथेनॉल ब्लेंडिंग जरूरी है शुगर स्टॉक्स में, तो इसकी वजह से हुआ था कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी बढ़ जाएगी, तो और उसकी वजह से सारे स्टॉक्स बहुत भागे थे और अभी भी आप कह सकते हैं कि वो बुलिश मोमेंटम काफ़ी हद तक कंटिन्यू है स्टॉक्स में। तो आइए अब हम एक एक करके स्टॉक्स को देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, द्वारिकेश शुगर ने कहा है कि वो एक बहुत बड़ा अपना कह सकते हैं आप फैक्ट्री लगाएंगे बरेली में, उसकी वजह से ये स्टॉक 4.5% भागा था। ये 9 जुलाई की खबर है। उसके बाद अगर आप और देखेंगे तो इनका कैपेक्स रिलेटेड ये वही वाला जो प्लान है बरेली वाला, उसके ही उन्होंने थोड़ा सा और डिटेल्स बताई थी कि कैसे कैसे वो करेंगे, तो इसकी वजह से काफ़ी भागा था। तो ये 162.5 के एलपीडी का है, उसको ये और बढ़ाएंगे 175 के एलपीडी करेंगे, तो ये सब अच्छी खबर है। अगर मैं दोस्तों चार्ट्स पे देखूं इस स्टॉक को, तो मैंने ये कुछ ट्रेंड लाइंस बनाई हैं, तो उसके हिसाब से दोस्तों यहाँ 75 के आसपास इसका सपोर्ट निकल के आ रहा है अगर आप करंट प्राइस पे खरीदते हैं तो। लेकिन बाइंग के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवर होता नहीं है, तो मेरा मानना है कि इस स्टॉक को आप 83 रुपीज़ के ऊपर खरीदिएगा 75 के स्टॉप लॉस के संग, और टारगेट आप इस स्टॉक में 100 रुपये तक का लेके चल सकते हैं। मैं एक बार जो हमने डिस्कशन किया है उसको एक बार मैं लिख भी देता हूँ। स्टॉप लॉस दोस्तों इसमें आप मेंटेन करिएगा करीब 75 के आसपास का, और टारगेट जो हमारे रहेंगे 100 का। लेकिन एक जो बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि इस स्टॉक को ब्रेकआउट कन्फर्म हो जाने दी चाहिए, तो वो 83-84 रुपीज़ के ऊपर कन्फर्म होगा। अगर दोस्तों मैं मवाना शुगर्स की बात करूं, तो इनके रिजल्ट्स आए थे करीब 2 हफ्ता पहले, तो इनके जो प्रॉफिट्स हुई थी वो 127 करोड़ की इन्होंने प्रॉफिट दिखाई थी। तो और जो कि अगर मैं पिछले साल से बात करूं, तो पिछले साल इन्होंने इस पीरियड पिछले क्वार्टर में इन्होंने 21 करोड़ का लॉस दिखाया था, तो ये काफ़ी अच्छी खबर रही इनके लिए। तो ये एक आप इसकी वजह से भी स्टॉक्स काफ़ी भागा है, और इस स्टॉक को चार्ट तो देखने लायक बनता है एकदम दोस्तों, अपर सर्किट पे अपर सर्किट। जब से रिजल्ट आया तब से डेली पे डेली अपर सर्किट ही ये स्टॉक मार रहा है, और 50-60 रुपये से ये स्टॉक ऑलमोस्ट आपका डबल होने पा रहा है। इस स्टॉक में मैं अभी कुछ सजेस्ट नहीं कर सकता हूँ खरीदना है कि नहीं खरीदना है, थोड़ा सा इसे कुछ स्टेबलाइज होने दे दीजिए, उसके बाद ही हम कुछ डिसीजन ले पाएंगे, क्योंकि अपर अच्छी वॉल्यूम्स में इसमें अपर सर्किट लग रहे हैं। रेणुका शुगर्स की मैं बात करूं, तो कंपनी सबसे बड़ी शुगर कंपनी बन गई थी, मोस्ट वैल्यूएबल, 326% बढ़ गई केवल 3 महीने में। आप अगर इसका स्टॉक भी देखेंगे तो 10 रुपये से 40 रुपये तक एक टाइम ये स्टॉक हमारा पहुंच चुका था। ये देखिए आप यहाँ पे देखिए 9-10 रुपये के आसपास चलता था अप्रैल में, फिर क्या भागा है 48 रुपये तक पहुंच गया, और अब ये स्टॉक डायरेक्ट लोअर सर्किट मार रहा है। तो जिस दिन ये स्टॉक आपका लोअर सर्किट खोले उस दिन आप इसमें एंट्री करिएगा 5% के स्टॉप लॉस के साथ। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, ज़्यादा कुछ एनालिसिस करने को है नहीं, जिस दिन स्टॉक का लोअर सर्किट खुले, मतलब आपको अगर -5% डेली डाउन दिखाए, तो जिस दिन आपको -2 या -3% डाउन दिखे आप इसमें पोजीशन बना लीजिए 5% के स्टॉप लॉस के साथ। बलरामपुर चीनी की दोस्तों अगर मैं बात करूं, तो इस स्टॉक का जो नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो 380 का निकल के आ रहा है, एकदम अभी अपने ये सपोर्ट पे खड़ा है, तो आप इस स्टॉक में जरूर पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस दोस्तों बहुत छोटा सा रखिएगा इसमें 330 रुपये का, क्योंकि अगर वो इसको तोड़ा तो फिर वो ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, तो आप 325-330 के स्टॉप लॉस के संग आप इसमें ट्रेल कर सकते हैं, और टारगेट जो हमारे रहेंगे दोस्तों वो 380 के रहेंगे, अगर इसको तोड़ा तो फिर 425 के टारगेट को हम एम करेंगे। तो ये थी दोस्तों मेरी एनालिसिस इन चारों स्टॉक्स को लेके, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। आप हमें लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारा मोटिवेशन बनेगा, साथ ही आप हमें टेलीग्राम ट्विटर फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं, द ट्रेडिंग बुल्स के नाम से हमारा पेज है। आपके मन में जो भी विचार हो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जल्द से जल्द उस पर रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।